हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली कल हमारा आखिरी एग्ज़ाम है और वो आपका एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले वाले एग्ज़ाम्स में हमने देखा कि हमें कितना लिखना पड़ा था, स्पेशली BGDG 172 में 500 वर्ड्स के क्वेश्चन आ गए थे तो बहुत ज़्यादा ही लिखना पड़ा था। बट इसमें काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको टिक करना रहेगा। तो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ही डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे PDF मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके बुक्स के थ्रू ही बता दूं। साथ में कुछ मेरे पास एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे और होगा तो PDF मैं अपलोड भी कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो आई होप कि बुक्स आप सबके पास अवेलेबल हो गई होगी। तो बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑल टोटल जो है वो 4 ब्लॉक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। और चारों में से कौन से ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन आएगा, मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लाइक आवर इन्वायरमेंट एक काफ़ी ईजी चैप्टर है, अगर आप चाहो तो ऊपर से भी इसको रिविजन कर सकते हो। हाँ, आवर इन्वायरमेंट से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे क्वेश्चन पूछा गया कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। देन आपका जो है इम्पॉर्टेंस वगैरह से नहीं पूछा जाता है, बट इसमें ही आई थिंक एक और पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आया था। हाँ, इस वाले पार्ट से कि कौन से टाइप के एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। तो आप यहाँ से देख लेना ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। शॉर्ट में बताऊँ तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो जो कि नेचुरली फॉर्मेशन हुआ है, जिसका नेचुरली बना है। ह्यूमन मॉडिफाइड वो जो कि नेचर के थ्रू बना है बट उसमें ह्यूमन ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, उसको कुछ ठीक ठाक किया है। लाइक आप बात करो ऑर्चिड या फिर एक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो नेचर के थ्रू ही बना है लेकिन उसको मॉडिफाई किया है ह्यूमंस ने, तो वो ह्यूमन मॉडिफाइड हो जाएगा। और ह्यूमन मेड तो आपको पता ही है, जो इंसानों ने बनाया है जो भी इन्वायरमेंट, तो वो ह्यूमन मेड में आ जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन आया था। देन आपके इस कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वगैरह उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में भी आपका जो क्वेश्चन है वो इन सारी चीज़, हाँ बायोस्फीयर से आ सकता है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो बायोस्फीयर है। देन इन सब से क्वेश्चन नहीं आया था आपका। हाँ, फूड चेन से, अगेन फूड चेन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पेशली डेट्रियस फूड चेन क्या होता है, क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासाइटिक फूड चेन तो नाम से ही लोग समझ जाते हैं लेकिन डेट्रियस फूड चेन बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो डेट्रियस फूड चेन आप देख लेना एक बार। उसके बाद ये सारे तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, कार्बन साइकिल वगैरह ऊपर से देख लेना, ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, और ये सब फिर एक्स्ट्रा इनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन बहुत छोटा सा है, इसे भी देख लेना। सिर्फ आपको ऊपर से देखना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आंसर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यानी कि मतलब चैप्टर के बीच से उन्होंने क्वेश्चन पिक किया है प्रीवियस ईयर्स में, तो बस उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मेजर इकोसिस्टम में आपको ये वाला पढ़ लेना अच्छे से, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि इसके बीच से क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब आपको टाइप्स दे दिया जाएगा और आपको उनमें से पिक करना है कि ये जो फीचर्स है, सॉरी फीचर दे दिया जाएगा और आपको पिक करना है कि ये फीचर्स कौन से फॉरेस्ट का है। लाइक आपको लिख दिया जाएगा सॉइल्स आर एसिडिक एंड मिनरल्स डिफिशियंट सॉइल, सॉरी मिनरल डिफिशियंट, तो ऐसी जो क्वालिटी है वो कौन से फॉरेस्ट में अवेलेबल है, तो वो आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर किसी का हिंदी मीडियम में भी ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा तो इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम के लिए मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन टॉपिक आपके यही रहेगा, बुक भी ऐसी रहेगा, बस ये हिंदी मीडियम में रहेगा, तो आप देख लो टॉपिक और फिर अपने आप हिंदी मीडियम वाले बुक से आप उसे पढ़ लेना। देन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर बता रही हूँ, तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ डोंट माइंड। देन यस, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये वाला पेज भी टिक कर लो। एक्वेटिक सिस्टम से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन था पेरीफाइटन का, कि रिमेन्स अटैच्ड और क्लिंगिंग टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स और सब्सटेंस इन इमर्जिंग अबव द बॉटम मड, तो इससे क्वेश्चन आता है, मेरे यहाँ पे लिख के भी रखा है ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसे टिक कर लिया। देन ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे नहीं आ सकता। एस्चुरीज देख लेना क्या होते हैं, दैट्स इट, बस इनमें से और कुछ नहीं पढ़ना है। टिक मैंने सब कुछ करके रखा है क्योंकि मैं जब ये पूरा चैप्टर पढ़ रही थी तब का ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, इसमें भी आपको यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नहीं, ये सब सिर्फ मिडिल का पार्ट है, इसे आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लो जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है देख लेना कि क्या होता है, ठीक है बस। और इस चैप्टर से उतना कुछ पूछा नहीं गया, तो आप इसे चाहो तो अगर आप स्किप भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस आई थिंक क्वेश्चन आया है आपका, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स। हाँ, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, कि जो क्राउन फायर है वो क्राउन फायर मतलब किस टाइप के, कैसे लगता है क्राउन फायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर ट्री टॉप्स में कैच फायर बाय हीट प्रोड्यूस बाय द कांस्टेंट रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो ये वाला एक पॉइंट है, इसका क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो इसको देख लेना कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन में। देन कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह देखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी नॉर्मल है, आप खुद से भी लिख सकते हो, सॉरी लिखना तो है नहीं, टिक करना है, जो समझ आए वहाँ पर टिक कर देना। देन एक बता दिया मैंने यहाँ से। देन बायोडाइवर्सिटी पे हम आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी देख लेना क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तीनों क्या क्या होता है। नाउ आप एक और काम करना कि ये जो बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया है इसे बस याद कर लेना। पहला जोन जो हो गया ये ट्रांस हिमालयन जोन हो गया, देन आपका जो दूसरा जोन हो गया ये हो गया आपका हिमालयस का जोन हो गया, देन तीसरा जो है ये इंडियन डेजर्ट हो गया, ये सेमी एरिड एरिया हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, डेक्कन पेनिनसुलर हो गया, गैंगेटिक प्लेन्स हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, और ये जो ब्लू वाला जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ये हो गया कोस्टल एरिया हो गया। तो आप ऐसे इसको नॉर्मली याद रखना, इससे इतना पूछा तो नहीं जाएगा कि कौन से एरिया से कौन सा एनिमल बिलोंग करता है, इन केस अगर कोई आ गया तो टिक कर देना, अगर आप पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको जो समझ आए वहाँ पर टिक कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मैं श्योर नहीं हूँ कि एक एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन समझ आए प्लीज़ उसे टिक कर देना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट 7 एनर्जी सोर्सेज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए गए थे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 क्वेश्चन इन एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे इससे, जिसमें आपके नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल के बारे में पूछा गया था, दोनों में से क्या क्या है, कौन सा डिफरेंस है। देन आपको बायोमास एनर्जी, बायोमास गैसीफायर, देन सोलर एनर्जी, सी सोलर एनर्जी कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स, इन सबको पॉइंट्स को याद रख लेना। फ्यूल सेल्स, वेव एंड टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, यस। और बाकी तो आपको ये सब तो पता ही रहेगा, ऑयल और नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रो पावर प्लांट। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया, वहाँ पे लिखा रहा है क्वेश्चन में द चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें आपको टिक कर देना हाइड्रो पावर प्लांट। लेट मी जूम इन, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ। देन यहाँ पे आपका आ गया, फिर ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर की चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी नहीं। फिर यहाँ से एक ये है इम्प्रूव्ड चूल्हास, ये जो है स्मोकलेस चूल्हास, इसको देख लेना, दैट्स इट, बस जितना उसमें बताया उतना ही करना है इस चैप्टर में, फिर इन सबको स्किप कर दो। अब इधर आ गया जो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सब, बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट, हैबिटेट लॉस देख लेना किस वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है, केस स्टडी जो है जैसे कोरल रीफ्स, ओशनिक आइलैंड, हैबिटेट आइलैंड, इन सबको देख लेना। इंपॉर्टेंट एक मैंने यहाँ पे भी टिक के रखा है इंपॉर्टेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने कहीं पे लिख के रखा है लाइक इन सेतु एंड एक सेतु का एग्जांपल दे के रखा है, इन सेतु में एग्जांपल क्या होगा, एक सेतु में क्या एग्जांपल होगा, तो वो देख लेना। देन नेक्स्ट इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है नहीं, क्या कन्फ्लिक्ट है। बायोलॉजिकल इन्वेजन, देखो एलियन स्पीसीज मतलब क्या होता है, जो बाहर से जो स्पीसीज आई हुई हैं तो वो हो गया एलियन स्पीसीज, कहीं पे नाम देखो तो याद रखना बाहर से आई हुई स्पीसीज को एलियन स्पीसीज कहा जाता है। इन सेतु कंजर्वेशन, एक सेतु कंजर्वेशन ज़रूर से कर लेना। देन एक दो आप टाइगर रिजर्व का नाम याद रख लेना। हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, इस वाले डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देख लो कि ये कॉरिडोर है, ये कोर रिजर्व है, ये भी कोर रिजर्व है, ये इनर बफर जोन है ये वाला, और ये कैंपिंग ग्रेजिंग है, ये आउटर बफर जोन है, तो ये माइट बी पॉसिबल कि पूछा जा सकता है। हाँ एक सेतु कंजर्वेशन के एग्जांपल्स आप याद रख लो, कौन कौन से एग्जांपल है, लाइक बोटानिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है,
देन हाँ ये दो एग्जांपल है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे देखो कैप्टिव ब्रीडिंग, देखो इससे मैंने लिख के रखा है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, तो कैप्टिव ब्रीडिंग से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, तो ये वाले चैप्टर से जो है वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आया है। देन यहाँ पे आपके आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचुरल रिजर्वर्स में आपको याद ही है क्या क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वेटलैंड्स है, तो ये सब उतना आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। देन इस वाले चैप्टर को आते हैं, ये चैप्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आ जा सकते हैं आपके, आ सकते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। कॉजेज़ वगैरह नहीं आएगा, ये सी एफ जी जो इतना दिया हुआ है उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एयर पॉल्यूशन ये सब, स्मोक देख लेना क्या होता है, ये सब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इनको भी स्किप कर दीजिए आप। ये देख लेना भोपाल गैस स्ट्रैटेजी जो है पेज नंबर 180, इसको देख लेना एक बार। देन आपके टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी उतना देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मरीन पॉल्यूशन क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, ऊपर ऊपर से चेक कर लेना कि सिर्फ क्या होता है बस। सॉइल पॉल्यूशन में भी उतनी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन में भी नहीं है, बस हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है कि आपको किस किस तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से बीच से क्वेश्चन पिक किया गया, ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया वही आएगा, तो थोड़ा आपको बीच से पढ़ना पड़ेगा। लाइक कैसे कैसे हम डील कर सकते हैं, तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, देन टॉक्सिक वर्सेज हजार्डियस, दोनों में आपको डिफरेंस आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, टॉक्सिक क्या डिफरेंस बताता है और हजार्डियस में क्या है, तो देखो यहाँ पर हाईलाइट भी करके रखा है मैंने। देन वेस्ट मिनिमाइजेशन से प्रोसेस आ सकता है पूछने के लिए, देन आप इन सबको स्किप कर दो, इन सबको अगेन स्किप कर दो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यस इससे एक प्रीवियस है इसका क्वेश्चन आया था कि हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट जो वे है वो क्या है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिला है कि इसका क्या है। आई थिंक लैंडफिल डिस्पोजल हो सकता है, अगर मैंने टिक किया होगा उसमें तो मैं देख के आपको बता दूंगी, बट अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या, इसका एक क्वेश्चन देखना है। याद रखना हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट क्या है, तो प्रोसेस में देख लेना किस प्रोसेस को हम किस तरह के वेस्ट को डिस्पोज करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगेन ये सब में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये सब स्किप कर दो आप। देन आ जाता है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़, ये तो चैप्टर मैंने खुद ही नहीं पढ़ा है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ओजोन लेयर डिप्लेक्शन देख लेना, ओजोन लेयर क्या होता है और किस गैसेस के थ्रू ओजोन लेयर डिप्लेक्शन होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारी गैसेज जो हैं इनके थ्रू ओजोन डिप्लेक्शन होता है, लाइक CFCs हो गया। हो गया, और एसिड रेन वगैरह ये सब चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। इनसे माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन कुछ आ सकता है एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन से, कि कौन से एक्ट के थ्रू क्या पास हुआ था, अगर टाइम है पढ़ सकते हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ सकते हो छोड़ देना, कोई जल्दी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्टिल ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कोई ज़रूरी नहीं है तो आप पूरा छोड़ ही दो, अगर आप पढ़ सकते हो तो इसे पढ़ लेना, क्योंकि इन चैप्टर्स को मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं बीच से इनके पार्ट्स को नहीं बता सकती हूँ। बाकी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी तो आप क्वेश्चंस देख के खुद समझ जाओगे कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ह्यूमन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, तो इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आया है, मेनली उधर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर उधर से ही क्वेश्चन आया है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, फ्लड, साइक्लोन्स, मैंग्रोव्स के बारे में देख लेना एक बार, मैंग्रोव्स एज अ शील्ड। देन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। पीपल मूवमेंट, चिपको मूवमेंट वगैरह अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लाइक ये ट्रेपीजियम जोन, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये सब देख लेना एक बार, ऊपर ऊपर से ही देखना है क्या है। एनवायरमेंट इफेक्ट्स, इससे मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप चाहो आपके पास टाइम है तो एक बार
इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लेना, लाइक एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, स्टीवर्डशिप, इको फेमिनिज्म, बायोसेंट्रिज्म एंड इको सेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म, दैट्स इट, एनवायरमेंट, फिर हाँ रिलीजियस टीचिंग अबाउट एनवायरमेंट, ये देख लो पेज नंबर है 178, इस वाले पेज को थोड़ा आप देख लेना, सॉरी मैं कैमरा फोकस छोड़ देगा, रिलीजियस टीचिंग एंड एनवायरमेंट को एक बार आप देख लेना, क्योंकि इससे पूछा गया था कि कौन से रिलीजन जो है उनमें नेचर को बहुत ही होली माना जाता है, उनकी वर्शिप की जाती है, तो जहाँ तक हमें पता है कि हिंदुनिज्म में नेचर को होली माना जाता है और उसकी वर्शिप की जाती है, तो इस वाले टॉपिक को देख लेना कौन से रिलीजन के थ्रू क्या था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था एक बार, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आप खुद समझ जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था कहाँ से नहीं आया था। कलेक्टिव एक्शंस, नाउ दैट्स इट, और इधर की जो चीज़ें हैं ये सब एक्स्ट्रा में है, ये सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब स्किप कर देना। तो हमने लाइक ये पूरी बुक डिस्कस कर ली कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, बाकी आपने अपनी जो प्रिपरेशन की है उसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को। सी लाइक मेरा वीडियो जो है वो एक्चुअली 16 मिनट्स या कुछ हो गया है, तो मैं काम करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो पार्ट टू में अवेलेबल कर देती हूँ, जस्ट इसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, जब तक आप ये वाली वीडियो को देखो मैं तब तक ये वाली वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके सो कीप वॉचिंग एंड सी यू सून, बाय।